हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको यहाँ पे अपने फ़ोन पर इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे दोस्तों लिखा रहता है एसडी कार्ड एरर, कैमरा इज़ टेम्पररी अनअवेलेबल, तो ये प्रॉब्लम अगर आपको अपने फ़ोन पर देखने को मिल रहा है तो आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, जब आप लोग यहाँ पे कैमरा में यहाँ पे कोई भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करने की कोशिश करते हैं, तब आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। तो गाइज़, यहाँ पे होता क्या है, अगर आपका फ़ोन का कैमरा यहाँ पे जिससे आप लोग यहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं, तो अगर आपका एसडी कार्ड जो है वो फुल हो जाता है या तो फिर और कुछ भी रहता है प्रॉब्लम, तो जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है वो एसडी कार्ड अगर आपका फुल हो जाता है तब आपको देखने को मिलता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका एसडी कार्ड यहाँ पे खाली रहता है और फिर भी यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। तब इस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको इस कंडीशन में अपने फ़ोन में आपको यहाँ पे सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पे सेटिंग को ओपन करिए, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में एप्लीकेशन पे जाना है और फिर यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन पे जाना है, और यहाँ पे आप लोगों को सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है कैमरा। तो इस तरीके से आप लोग कैमरा लिखिए, कैमरा लिखने के बाद आपको यहाँ पे उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज पे जाना है और इसका डेटा आपको यहाँ पे क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे इस तरीके से कैमरा में करेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाए, तो ये वाली सेटिंग को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैं आपको एक और सेटिंग बता देता हूँ, ताकि आपको जो है अगर ये दोनों प्रॉब्लम से मतलब कि ये दोनों सेटिंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो आप लोग इसको भी अप्लाई कर लीजिएगा। तो आप लोग दोबारा से सेटिंग ओपन करना है और एप्लीकेशन में जाना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको सिस्टम ऐप सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कैमरा में क्लिक करना है। कैमरा में जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे कैमरा में, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव टू एसडी कार्ड, तो ये ऑप्शन अगर आपके फ़ोन में इनेबल नहीं है तो आपको इसको इनेबल करना है। अब इनेबल करने से क्या होगा दोस्तों, जब भी आप लोग यहाँ पे कोई भी फ़ोटो अपने फ़ोन में कैमरा से खींचेंगे तो वो आपके मेमोरी कार्ड में जाके यहाँ पे सेव हो जाएगी, और अगर यहाँ पे ये ऐसे इनेबल नहीं रहता तो आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड में यहाँ पे जब आप फ़ोटो खींचेंगे तो वो मेमोरी कार्ड में नहीं जाएगी। तो ये सारी सेटिंग्स होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।